तो हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग डेस्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में आप लोगों को अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकता है। स्टॉक की पूरी डिटेल में एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। स्टॉक के अंदर मेरा क्या व्यू बन रहा है, क्या एनालिसिस बेटर है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहने वाला है, कहाँ पे एंट्री का प्लान कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आप बने रहे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँ उसके टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आने वाले टाइम में मैं इस मार्केट रिलेटेड एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस की, जिसके अंदर मैं कैंडलस्टिक से लेकर एडवांस प्राइस एक्शन तक हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सब कुछ दोस्तों, कोई भी पेड सर्विस मैं ऑन करने वाला नहीं हूँ। तो दोस्तों, स्टॉक का नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और स्टॉक का मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, जिसके अंदर दोस्तों एक बुलिश पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जो बुलिश हमारा जो सेटअप है वो ये वाला सेटअप 90% ऑफ टाइम वर्क करता है दोस्तों, 90% ऑफ टाइम ये वर्क करता है। 10% इसके अंदर एसएल हिट होने के चांसेस होते हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10%, बाकी 90% ऑफ टाइम ये स्टॉक ये वाला जो सेटअप है दोस्तों ये वर्क करता है। ये मैंने पूरा बैक टेस्ट किया है, उसके बाद ही आपके सामने लेके आ रहा हूँ। सेटअप का मैं डिटेल में एनालिसिस आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा जब मैं सीरीज की स्टार्ट करूंगा। अभी के लिए आपको स्टॉक के एनालिसिस बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे मंथली चार्ट लगाया हुआ है और इसके अंदर जो है ना दोस्तों, मैं हर एक वीडियो के अंदर मैं अपने ट्रैपिंग लेवल के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे एक स्पाइक आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। हर एक वीडियो में मैंने अपने ट्रैपिंग लेवल के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो के अंदर भी मैं ट्रैपिंग लेवल आपके सामने प्लॉट करता हूँ और इसके अंदर किस तरीके से ये लेवल प्लॉट करके इसकी यहीं से किस तरीके से मूवमेंट आ रही है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे मंथली टाइम फ्रेम है और इसके अंदर ये स्टॉक क्या कर रहा है, एग्जैक्टली अप ट्रेंड चैनल के अंदर मूव कर रहा है दोस्तों। ये जो इसका अप ट्रेंड चैनल है ना, इसके अंदर ये मूव कर रहा है। और अगर मैं इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम में चला जाऊँ, देख सकते हो किस तरीके से अप ट्रेंड चैनल को रिस्पेक्ट किया जा रहा है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ एग्जैक्टली इसने क्या किया, ये क्या हुआ भाई, एक सेकेंड, अगर अगर यहाँ पे देख लोगे तो इस तरीके से इसने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, एग्जैक्टली फिर से क्या किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से क्या कर रहा है ये, यह अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर से इसने क्या किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊँ तो इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो करंट लेवल के आसपास में एक बुलिश साइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, करंट लेवल के आसपास एंट्री करने का प्लान कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो आप लोगों को सिंपली एक बेरिश पैटर्न दिखता होगा, एक बेरिश पैटर्न दिखता होगा। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है दोस्तों, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। लेकिन जब भी मार्केट इस तरीके का क्लियर इंडिकेशन देता है ना दोस्तों, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है बॉस, यहाँ पे शॉर्ट करो, इसका ब्रेकडाउन आने वाला है, ब्रेकडाउन आते ही साथ यहाँ तक का फॉल करेगा, ये इस तरीके से डायरेक्ट स्टीप फॉल करेगा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकडाउन आते ही साथ फॉल आएगा, ये इस तरीके की एक्सपेक्टेशन जो है ना दोस्तों, ये मार्केट कभी भी इस तरीके के एक्सपेक्टेशन को फॉलो थ्रू नहीं देता है। इस तरीके के एक्सपेक्टेशन को दोस्तों मार्केट फॉलो थ्रू कभी भी नहीं देता है, मैंने देखा है हर बार ये। और अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर अभी करंट मार्केट प्राइस पे इसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम ये जो करंट मार्केट प्राइस है इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी फेवरेबल बैठ रहा है। अगर ये डेली चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों और ये जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका, और मार्केट इजीली इतने इतनी बड़ी रैली करने के बाद ना दोस्तों इजीली ये फॉल नहीं करता है, ये मैंने देखा हुआ है प्रीवियसली भी। तो अगर आप इसके अंदर अगर इसको फॉल करना है तो एक बार ये अपर साइड की मोमेंटम जरूर कंटिन्यू करेगा। देख सकते हो फिबो अगर मैंने लगाया है तो फिबो के अंदर क्या दिख रहा है आप लोगों को, एग्जैक्टली 50% वाले लेवल से ही ये रिस्पेक्ट करने की ट्राई कर रहा है। जो हमारे लेवल हमने ड्रॉ किया ना, एग्जैक्टली 50% का लेवल आ रहा है, और जब भी मार्केट 50% के लेवल के आसपास आ रहा है दोस्तों, यहाँ से रिवर्सल अपने को देखने के लिए मिल सकता है। तो इसके अंदर क्या बन रहा है अभी 50% का लेवल फिबोनाची का। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एंट्री के बारे में बताऊँ तो इसी लेवल के आसपास एंट्री का प्लान कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों, स्टॉप लॉस में सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटा स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1369 के आसपास में स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्टॉक है ना फिर से अपने ऑल टाइम हाई को एक बार टेस्ट करे, उसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक फॉल स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसके पहले ये स्टॉक ना सबसे पहले अपने ऑल टाइम हाई को एक बार तो टेस्ट करेगा दोस्तों। अगर मैं आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल के दिखाऊंगा तो ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, और नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के दिखाऊंगा तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल इसके अंदर निकल के आ रहा है। आने वाले टाइम में दोस्तों जब ये स्टॉक अपने अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मे भी हॉल्ट करे, दो चार एक 10-12 दिन यहाँ पे हॉल्ट करे, फिर उसके बाद मे भी यहाँ से एक अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे, फिर अगर यहाँ पे गया तो फिर से यहाँ पे मे भी हॉल्ट करे, फिर से अपने अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करे, फिर मे भी चैनल के अपसाइड को टेस्ट करके फिर ये फॉल इस तरीके के स्टार्ट कर सकता है। जब भी दोस्तों इस तरीके की मूवमेंट आती है ना तो इजीली मार्केट इतने जल्दी फॉल नहीं करता है, मैंने देखा हुआ है प्रीवियसली भी दोस्तों, मैंने इस तरीके की फॉल्ट देखी हुई है मार्केट की। जब भी इतनी बड़ी
रैली मार्केट दिखाता है ना, तो इतने जल्दी यहाँ से फॉल नहीं करेगा, दिखाएगा यहाँ पे कि इन्वर्टेड एंड शोल्डर बन रहा है, यहाँ बॉस यहाँ पे शॉर्ट करो, लेकिन मार्केट के अंदर जो दिखता है ना दोस्तों वो होता नहीं है, और जो होता है ना वो दिखता नहीं है। तो आप लोग ये चीज को हमेशा फोकस करें। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, और यहाँ पे अगर हम लोग 3 आवर के अंदर चले जाए, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो रिवर्सल साइन तो दिखेगा दोस्तों अपने को, जिसके जिसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे आवरली पे लेके चला जाऊँ, तो आवरली पे में भी कुछ ना कुछ रिवर्सल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मे बी 45 मिनट देख सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं पे तो हम लोगों को रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर। अगर यहाँ पे 30 मिनट, ये 15 मिनट, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फॉल्ट है, क्योंकि ये सेम कैंडल तो नहीं आ सकती यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो चार्ट के अंदर लोड हो रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो इश्यू है चार्ट के अंदर। तो इसके अंदर तो मैं प्लान तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का ही कर रहा हूँ करंट मार्केट प्राइस पे। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहीं पे ये बाय करने का मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे कहीं ना कहीं रिवर्सल ये स्टॉक दिखा सकता है, मेरा ऐसा मानना है, और आने वाले टाइम में यही से स्टॉक कहीं ना कहीं अपर साइड की मोमेंटम कर सकता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, ये देख सकते हो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे ना रिवर्सल का पैटर्न ही फॉर्म हो रहा है। ये जो इस तरीके की कैंडल्स बनती है ना दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, अच्छा हुआ मैंने इसके अंदर टाइम फ्रेम चेंज किया, मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस तरीके की कैंडल्स बनती है ना, जब भी इस तरीके की कैंडल्स बनती है ना, तो हमेशा ये स्टॉक जो है ना अपर साइड की मोमेंटम करने की ज्यादा ट्राई करेगा, क्योंकि ये पूरे रिवर्सल साइंस है दोस्तों, ये पूरे के पूरे रिवर्सल साइंस है, जिसके अंदर ये जिस तरीके से ये ना ये लेवल के आसपास, जिस तरीके से लेवल्स के आसपास पैटर्न और कैंडलस्टिक बना रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। अगर दोस्तों इसको नीचे गिरना है तो नीचे गिरे कोई इशू नहीं है, हमारे पास स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस देने के लिए हम रेडी है। लेकिन अगर आप ये आप देखोगे तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बेट रहा है, तो इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ एक अपर साइड की मोमेंटम आ सकती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल